कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना वायरस को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। मॉनसून सत्र शुरू होने से ठीक पहले राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, भारत में कोरोना वायरस के मामले इस हफ्ते 50 लाख को पार कर जाएंगे, वहीं एक्टिव मामले 10 लाख से ज्यादा हो जाएंगे। बिना प्लानिंग से किया गया लॉकडाउन एक व्यक्ति के अहंकार का नतीजा था, जिसकी वजह से पूरे देश में कोरोना वायरस फैल गया। राहुल गांधी ने तंज कसते हुए ये भी लिखा कि मोदी सरकार कह रही है कि आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर बनने का मतलब है कि अपनी जान खुद बचा लीजिए, क्योंकि पीएम मोदी मोर के साथ व्यस्त हैं। आपको याद होगा, पिछले दिनों पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वो अपने घर पर मोरों के साथ समय बिताते हुए और उन्हें दाना डालते हुए नजर आए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ और लोगों को पीएम का ये अंदाज खूब पसंद भी आया। लेकिन अब पीएम के उस वीडियो पर राहुल गांधी ने तंज कसा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी संसद के मॉनसून सत्र के शुरुआती दिनों में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि फिलहाल वो भारत में नहीं है। वो अपनी मां सोनिया गांधी के सालाना मेडिकल चेकअप के लिए उनके साथ विदेश यात्रा पर गए हुए हैं। लेकिन ट्वीट के जरिए वो मोदी सरकार पर लगातार हमलावर बने हुए हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी के इस ट्वीट की आलोचना की है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हुए मीडिया से कहा कि राहुल गांधी रोजाना ट्वीट कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि कांग्रेस ट्वीट्स की पार्टी बन जाएगी, क्योंकि वो लोगों के बीच कोई काम नहीं कर रहे हैं और एक के बाद एक नेता खो रहे हैं। निराश और हताश पार्टी हर तरह से हमले की कोशिश कर रही है। इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।